कन्या राशि, चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके पहले भाव में रहेंगे, जिससे यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। आपको इस समय पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, इसलिए आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें। केतु गोचर 2024 के दौरान केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपकी आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी और आपकी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर आपकी अधिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपका भौतिक सुखों से मन उठ सकता है। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिससे आपको इस महीने से अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब से आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मई 2024 के बाद आपको करियर और आर्थिक जीवन में आदि में लाभ प्राप्त होंगे। वहीं मई से आपकी सेहत में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस साल 2024 में दूसरी छमाही में आपको केतु गोचर 2024 के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।